make way for the boss. चलो बुलावा, आया है टीचर ने बुलाया है। अबे मोनिका चल अपनी सीट पे। अबे कौन है ये और क्यों इतने टोरा दिखा रही है? आज तुझे नहीं पता क्या? स्कूल का बदमाश है ये और पीछे की डेस्क इनकी बुक रहती है, हमें देखियो अभी लात मार के उठाएंगे कैसे। देखा? जी हम तो गलती से बैठ गए थे। अरे एक्सक्यूज मी मैडम, ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी, ये स्कूल है आपका घर नहीं। बॉय हैंडल हिम। समझ नहीं आती तेरे, हजार बार बोल रहे। अरे उस्ताद जी ये तो बताओ होमवर्क करके लाए हो? होमवर्क वो क्या होता है? मैं तो ये भी नहीं पता क्लास वर्क क्या होता है। अरे मैडम आपका बैग कहाँ है? अपने काम से काम रखना, दिखाई नहीं दे रहा ये रहा बैग, एक बार क्या कर दिया सर पे चढ़ रहा है। और मैडम आपका बैग कहाँ है? इसमें बुक तो आती नहीं होगी। बुक का मुझे क्या काम। अबे वो जार अपना काम कर लेना। और दादा आपका बैग कहाँ है? बैग भाई बातचीत है बातचीत। गुरुजी इसमें तो पेन भी नहीं आता होगा। अरे पेन तो हम सुट्टा। ओए बिजली बंदी का मैसेज आया होगा लगता है। अरे वे तुम स्कूल में फोन क्यों लाए हो? रुको तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करता हूँ मैं। ये पिटने के जी में है क्या? बताइए सब कुछ जरा। नहीं तू ऐसे नहीं मानेगा क्या? फिर से लात खानी है तुझे, बता दे। मैं देख के देख दो देख। अरे तेरे समझ नहीं आती क्या? 10 बार बताए, तेरे को पता उसका बाप कौन है? कौन है उसका बाप? यहाँ का प्रिंसिपल। तेरे को स्कूल में रहना है कि नहीं? रहना तो है। चुपचाप बैठ जा। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो कौन रीडिंग करेगा? मैं। मैडम मैं। मिलन, चलो स्टार्ट करो रीडिंग। यार मैडम इसे ही बुलाती हैं हर बात रीडिंग के लिए। ओए पानी है। पानी? मेरी भी खाली होगी बोतल। प्यास लगी है ना? तना पानी है? नहीं यार मेरे पास भी पानी नहीं है, मुझे खुद प्यास लगी हुई है। जादू है? पानी है? ये रही बोतल, लप्पू जी तो मेरी बोतल है, पानी इसमें आता ना, प्यास मेरी बुझती नहीं। फोड़ दूँ क्या इसको? इसको भी क्यों लेकर आता, गरी छोड़ा था, एक घुट में भी क्या प्यास हो जाएगा। क्लास क्या हो रहा है? रीडिंग पे कंसंट्रेट नहीं है आप लोगों का? अरे यार अब क्या करें, प्यास लग रही है। पूछना मैडम से।
मैडम जी, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? कहीं नहीं जाना है, पीरियड खत्म होने के बाद जाओगे। सिट डाउन। यार मुझे तो जाने नहीं दे रही मैडम। तू मैडम की चापलूसी करती है ना, तू पूछ मैडम से, तेरे को जाने देंगे। अभी हो, मैं कोई चमची ममची नहीं हूँ, तू होगा चमचा। मैं बस अच्छे मार्क्स लाती हूँ, इसलिए मैम ना हमको इम्पोर्टेंस दी और तुम लोग जलते हो। अबे वो पूरी क्लास को मालूम है कि तू मैडम की चापलूसी करती है। समझी? इतना फॉल तो बोलोगे ना, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, पानी भरने, अब प्यास में मरो। क्लास साइलेंस। कितनी चीजें मत गिना हमको, सब जानते हैं कितनी बड़ी चमची है तू मैडम की। बोलना यार। चली जा अम्मा। मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? ठीक है जाओ। कहीं नहीं जाना पानी पीने, बैठो नीचे। एक बार परमिशन क्या दे दो, सर पे चढ़ जाते हैं ये लोग। मैडम जी पानी पिला दीजिए, हमारा गला फूक रहा है। बच्चे की क्या है, जा। यार मम्मी ने आज खाना टाइम पे पैक नहीं किया, इसलिए लेट हो गया। अबे यार आज तो पीटीआई सर भी बहुत दूचेंगे। तो दूचेंगे, काम ही ऐसे करते हो तुम? मेरा तो रोज का काम है। तो भाई लुगाई सजने में टाइम लगता है। पीटीआई लेट हो गया, असेंबली स्टार्ट होगी क्या? तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, आवाज सुनाई नहीं दे रही, अंधी है? अरे तू पागल वागल है क्या, दिखाई भी दे रहा है सुनाई भी दे रहा है। असेंबली खत्म होने को है। अरे यार इस महीने में मैं तीसरी बार लेट हूं, तीसरा नोट चढ़ेगा आज मेरी डायरी पे और पीटीआई से ना मेरे खून कर देंगे। तू तो गई। तू तो वैसे भी डेली लेट आती है। इसका नाम कट जाएगा तो और बढ़िया है। अरे बकवास बंद करो यार। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि प्रोजेक्ट फाइल कौन कौन लाया, आज सबमिट करनी थी। मैं तो लाया हूँ भाई। मैं भी लाया हूँ पूरा एकदम मस्त। मैं भी लेके आई हूँ, जब तो याद दिला रही हूँ। प्रोजेक्ट फाइल? कौन सी प्रोजेक्ट फाइल? ज्योग्राफी वाला प्रोजेक्ट। भूल गई क्या? अरे तो पागल हो गई है क्या? आज लास्ट डेट है सबमिशन की प्रोजेक्ट फाइल की। शिट यार, मैंने तो प्रोजेक्ट बना के रख रखा है बिल्कुल रेडी और मैं भूल गई बना बनाया प्रोजेक्ट। रात भर बैठ के कंप्लीट करा था, रात भर बैठ के, और सुबह सुबह लाना भूल गई यार, अब क्या करूँ? अरे वो मैम ने एक हफ्ते पहले कहा था, तेरे को अभी तक याद नहीं है? मैं भुलक्कड़ है ना यार। मैं एक काम करती हूँ, मेरा घर ना यहाँ से ना 5 मिनट की दूरी पे है, यूँ जाऊंगी यूँ आ जाऊंगी। अपना प्रोजेक्ट उठा लाती हूँ, टेबल पर ही रखा है बाहर। भाई स्कूल का गेट लग चुका है, कैसे जाएगी अब? चलो ना यार प्लीज मदद कर देना प्लीज। जाके तो देख एक बार, गेट से पैर बाहर रख के तो देख, फिर पता चलेगा तेरे को। अरे तो तुम लोग किस लिए हो, तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो क्या? हाँ हम तेरे दोस्त हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हमारा फूफा थोड़ी है। अरे तुम्हारी तो बातचीत है ना सिक्योरिटी गार्ड के साथ। हमें क्या मिलेगा इसमें, हमारा क्या फायदा? तुम्हारा फायदा? मैंने तुम सबकी नोटबुक कंप्लीट कर दूंगी और एग्जाम्स में ना अपना एग्जाम भी दिखा दूंगी ताकि तुम लोग पास हो जाओ, मतलब अच्छे मार्क्स से। अबे जादू, इस पे विश्वास कर ले क्या? अरे अपने वो क्या, अपनी तो नोटबुक पूरी हो जाएगी। हमारा ही फायदा है, कर लेते हैं। चल एक बार करके देख लेते हैं। अरे चल ठीक है, हम तेरे को बाहर भिजा देंगे। विशाल भाई मुझे ना ये डील एक नंबर की अच्छी लग रही है भाई, हमारा होमवर्क भी हो जाएगा, कॉपी कंप्लीट, एग्जाम में फुल मार्क्स, कर लेते हैं भाई, डन कर। तू हाथ मिला लूं क्या? डन है भाई, तू हाथ मिला। ठीक है देख, हम तेरी मदद तो कर देंगे, लेकिन तुझे 5 मिनट लाना पड़ेगा। अरे मैं यूं जाऊंगी यूं आऊंगी, बस तुम ना अपनी बातचीत बनाए रखना सिक्योरिटी गार्ड, उसको बातों में फंसाए रखना, उसको पता भी नहीं चलेगा मैं चुप चुप करके आ जाऊंगी। चल ठीक है फिर, तू अपनी बात पे रहियो और बाकी का काम हमारा है। ठीक है ठीक है विशाल, ठीक है चल कर देंगे। चलो 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 चलो। और गार्ड अंकल कैसे चल रही नौकरी? नौकरी सही है बेटा। और छोकरी? छोकरी तो और भी सही है, पैसे कम दे रहे हैं। अरे गार्ड साहब क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या हो गया बच्चों, क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम? कुछ नहीं, बस हम ना आपका हाल चाल पूछने के लिए आए थे, हमने सोचा अंकल जी इतनी मेहनत करते हैं थोड़े गप्पे शप्पे लड़ा ले आपसे। अबे तू यहाँ क्या कर रहा, क्लास में क्यों जाता? मेरी हाल चाल ठीक नहीं है बेटा, एक बीड़ी लगेगी एक कौवा लगेगा। हावड़ा पीनी है ना दीदी, ये बता दो बस आप। हुकुम करो जी हुकुम। अरे गार्ड अंकल वो दे, बोले बोले तेरी शकल का बत्तख, बोले चुप कर यार। मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ, गार्ड अंकल जी देखिए ना ये जो गार्डन है ना इसकी ग्रास बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसको कटवाओ यार, अपने बाल भी खत्म कर रखे, इसको तो कटवाओ कम से कम। कितनी बड़ी होगी, हम खेल नहीं पाते उसमें।
अब मैंने इन सबको तो पनिशमेंट दी थी, ये गार्ड के साथ क्या कर रहे हैं? पांग। इनको तो मैं बताता हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम इनके साथ? कोच मर के साथ है? हैं? तुम्हें मैंने पनिशमेंट दी थी ना? अरे सर ये भी तो बंक मार रहे हैं क्लास। बंक मार रहे हैं? सर हम तो पानी पीने आए थे। क्या कर रहा था यहाँ पर? सर सर क्या बच्चे? तेरे को पनिशमेंट दी थी ना? अबे यहाँ पे यार बाल देख, सारे के बाल देख। सर मैं तो सैलरी पूछने आया था। सैलरी तेरे को लगवाऊं जो मैं तेरे को बढ़ाऊं इस टीम? अरे भाग ऐसे भाग। भैया सर तो सबको मार रहे हैं। अरे सर जी मेरे तो पैर में लग रही है। बाय बाय सर जी। हाँ भाई तूने बच्चे इकट्ठे यहाँ पर क्यों कर रखे थे? अरे बच्चे परेशान करने आए थे, कह रहे घास कटवा दो, ये कटवा दो, वो कटवा दो। घास तो बाद में कटवाइयो, पहले तू अपने बाल कटवा। हैं? अबे मत कर। हैं? बाल मेरे को प्यारे हैं ना? प्यारे? अरे बेटा बच्चे तूने ऐसे ही खड़े किए ना यहाँ पर, तेरे को प्यारा कर दूंगा ऊपर वाले का मैं, ठीक है ना? सारे के सारे कंजर। कैसे दोस्त है? मिंगी ने मेरे को बचाया भी नहीं, उठा तो लेती और ऊपर से हंस रही है मेरे पे। भाई देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर मैं गिर जाता और मेरा कोई भी दोस्त फंस जाता भाई मैं तो बोलने छोड़ देता। भाई सच बता रहा हूँ, आजकल की दोस्ती बस मतलब की रह गई है, मतलब की। बता बेचारी गिर गई, उठाया किसी ने, उल्टा हंस रहे थे इसमें। बता भाई ऐसी दोस्ती में तो मेरा हाथ थू था, बताओ लड़की को गिरा दी और हंस रहे ऐसे। भाई सही बात है, मैं होता तो मैं गिरने नहीं देता यार, मैं गिराता भी नहीं यार। अरे भाई ऐसी दोस्ती भी क्या दोस्ती जिसने पत्थर ना खाया जाए? अरे कोई तरीका थोड़ी होता है यार। यार ये दोस्ती भी क्या दोस्ती जो एक दूसरे को गिराए? अबे देख हमारी दोस्त को कैसे भड़का रही है ये लोग। बड़े भाई अगर ये सीन हमारे भाईचारे के बीच में होता ना, पुलिस स्टेशन जाके उसको फांसी के साथ दिलवा देते भाई, फांसी की। अरे मैं होता तो मैं तो सर फाड़ देता पहले तो अपने दोस्त का। हाँ? तुम चलो ना बकवास मत करो, चलो निकलो यहाँ से, हमारी दोस्त को भड़का रहे हो। ओ, ओ, ओ तू ना हमारे भाईचारे के बीच में बोल मत, समझ में आई? हाँ ए क्या बकवास तोड़ने कर रहे, हम तो सच बोल रहे एकदम। ओ सच बता रहे हो? हाँ और तेरी दो चार दिन पहले जब नाक में बास्केटबॉल लगी थी, पकौड़े जैसे नाक होगी थी, तीनों मिलके ऐसे थे हे, और हमारी दोस्त को भड़का दिया क्या हंस रही थी। वो मजाक था भाइयों का, भाई भाईचारे में मजाक नहीं होता क्या? तुम्हारी साथ थोड़ी ना हमारी दोस्ती, भाईचारा ऑन टॉप रहता है, हम टॉप, ये नहीं कि नीचे डाउन। ओ अच्छा चल निकल, भाईचारा ऑन टॉप है, हमारा भाईचारा ऑन टॉप है, चल चल निकल। और चलो बकवास बंद करो अपनी, और क्या बोल रहे हैं तू, मजाक था तुम लोगों के बीच का? तो हमारे बीच में भी ना मजाक था, हमारी भी दोस्ती है, और एक्चुअली हमारी दोस्ती ना तुम लोगों की दोस्ती से तो बहुत अच्छी है, तो इसमें फूट डालने की ना कोशिश मत करो। अबे हाथ लगा रही है, हम चारों में देख रहे हैं। दोस्ती के बीच में कुछ बोल मत दियो। ओए फालतू बोलने का, खेवड़ी इतनी तो छुपी हो जाए। ए अब नहीं सुनूंगा, ये 2.5 किलो का हाथ है, उठ जाएगा तो फिर तो गिर जाएगी। भाई 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 मेरी बात सुनो, इन लड़कियों से बात करने से अच्छा ना 24 घंटे पत्थर से बातचीत कर लो, उसमें मत कर दो, इन लड़कियों से बातचीत मत करो भाई, चलो चलो हैक्टिक हो रहा है। ओए मुक्की बना के बैठी है, पागल से है वो तो, उनकी बातों को मत सुना कर। मेरे से मत बोलो, मैं गिरी तुमने मेरे को उठाया भी नहीं और उल्टा मेरे पे हंस भी रहे हो, और ये बोल रहे हो मैं मोटी हूँ, कहीं से मोटी दिखती हूँ क्या?
अरे यार पागल हो गई है क्या, इतनी सी बात पे कोई गुस्सा करता है और तू लड़कों की बातों में आ रही है जिनकी खुद की दोस्ती पक्की नहीं है। नहीं मैं बात नहीं करूंगी तुम दोनों से, मेरे को बात नहीं करनी, चले जाओ दोस्ती खत्म। अरे ऐसी दुनिया की बातों में आने लगी तो दोस्तियाँ नहीं चलती, दोस्ती चलती है प्यार से मोहब्बत से और तड़पा फंसी से। अबे यार तू ही बता वो दोस्ती दोस्ती कैसे होगी जब दोस्त गिरे और बाकी के दोस्त हंसे ना। समझ गई फालतू का मुंह मत बनाया कर, उन लोगों की बातें मत सुन समझी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी दोस्ती में फूट डालना चाहते हैं। और वैसे भी तू तो जमीन पर ही गिरी है, ये लड़के तो गिरे हुए हैं, लड़के तो गिरे हुए होते हैं, तू क्यों इतना माइंड कर रही है, छोड़ना जाने देना उनको, तू उनके चक्कर में हमारी दोस्ती में क्यों फूट डाल दिए। पता है ना इसकी दिक्कत ही है, ये ना चिड़चिड़ी है, हम तीनों में से सबसे ज्यादा चिड़चिड़ी है मोटी भैंस। मेरे को फिर भैंस बोल रहे हो, मेरे को बात ही नहीं करनी तुम दोनों से, जाओ यहाँ से। अबे यार इतनी सी बात पे ना गुस्सा मत हो, और वैसे भी तू एक बात बता, अगर मैं गिरती जमीन पर या फिर चलो तेजू गिर जाते हमारी और तुम दोनों या हम दोनों मिलके हंसते तो मुंह थोड़ी बनाते इस बात पे, तो उसी में तो ये सब चलता है यार, पागल है। अब मुंह मत बना, चल पेटिस खाने चलते हैं। मैं दो पेटिस खाऊंगी, खिलाएगी ना? हाँ चल आजा भैंस कुछ आ रहा पेटिस खिला कर आऊं, आजा। सच में यार तुम ना बहुत खूबसूरत हो। अरे यार मेरा मूड खराब है, तुम्हें खूबसूरती की पड़ी है। क्या हो गया, तुम टेंशन में क्यों, मुझे बता मैं तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दूंगा। यार मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है और फिफ्थ पीरियड में मैम चेक करेगी मैथ की नोटबुक, अब मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात, मैं इंटेलिजेंट किसके लिए हूं? तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा सारा होमवर्क कर दूंगा। सच्ची में कर दोगे? हाँ हाँ। इंग्लिश का भी कर देना फिर तो। इंग्लिश का भी कर दूंगा। हिंदी पक्का? एसएसटी डन है? साइंस पक्का? चलो ठीक है। हाँ अब बाद में मिलते, ठीक है नोटबुक देके जाऊंगी तुम्हें। ठीक है बाय। अच्छा सुनो कैंटीन में मिल जाना, पेटीज खिलाऊंगा। अबे एक बात बता, तू इसके पीछे हमेशा क्यों पड़ा रहता है बे? क्यों भाई, देखना कितनी खूबसूरत है, ये देखना बिल्कुल मेरी वाइफ मटेरियल है। कद्दू की वाइफ मटेरियल है, इसके पीछे पागल हुआ पड़ा ही है। अबे सही तो कह रहा है यार, तू उसका होमवर्क करता है, तू उसका खाना लेके आता है, तू उसके डांट सुनता है, तू उसके पीछे घूमता रहता है, यार कैसा है तू, चूजा है क्या? चूजा पालतू कुत्ता बना रखा है। मेरी वाली ना अलग है। अजी तेरी वाली भी वैसी है जैसी सबकी होती है, काट के जाएगी ना जब पता लगेगा, फिर आएगा हमारे कंधों पे। आई बो ऐसे काटेगी? हाँ देखा, समझ गया ना भाई, समझ गया। अब तू भी समझ जा कि जल्दी काटने वाली है तेरा। हाँ भाई मुझे पता है, वो मेरा कभी नहीं काटेगी क्योंकि वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। तेरे को इतना ही भरोसा है ना? हाँ एक काम कर, तू आज जाके उसे प्रपोज कर, जब रिजेक्शन तेरे मुंह पे देख के मारेगी ना, जब तुझे पता लगेगा। भाई देख लियो सैनी की हिम्मत है ना, तो जाके प्रपोज कर ना, तो मैं तेरे को अभी बोल रहा हूँ, वो तेरे को लाइक नहीं करती यार। मैं जा रहा हूँ उसको प्रपोज करने, जा तेजस्वी। देखो तो कौन आया है, तेजस्वी का चमचा। चल हम चलते हैं शीला। हाय गुन्नू। हाय तेजस्वी। तेजस्वी मुझे ना तुम्हें बहुत दिनों से एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। तुम मेरी दोस्त बनोगी? यार तुम तो मेरे ऑलरेडी दोस्त हो ना। ओ क्या 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 लगता है ये एक्सेप्ट करेगी? रिजेक्शन ही मिलेगा, कटेगा शक्ल देगी इसकी। अरे मेरा मतलब दोस्त तो है, मतलब कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। गर्लफ्रेंड तुम्हारी? देखो गुन्नू तुम बहुत अच्छे लड़के हो पर मेरे टाइप के नहीं हो, मतलब आई डोंट लाइक यू। हाँ तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो पर नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। फिर तुमने मेरा काटा क्यों? मैंने तुम्हारा काटा? अब ओए अपनी औकात में रह के बात कर। ये कौन है? मेरा भाई तू डर क्यों रहा है, तेरे को पता है ये कौन है? कौन है ये? ये स्कूल का माफिया गुंडा ढिल्लन बॉस, इसका बंदा। ये इसका बंदा है? हाँ मतलब अपने वाले का तो कट गया ना? नहीं कटा नहीं, अब पीछेगा उसका। माय बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड तुम्हारी बंदी ने मेरा काटा? अबे अपनी औकात में रहनी, तो एक रास्ता दूंगा वहां चार चक्कर काट के गिरेगा। इसे कह रहा था मत जा, लेकिन नहीं ना मेरी वाली है। छोड़ ना अब तो, वो भुगतेगा ना यार, हमने तो समझाया था। खुद को देख और मुझको देख, मेरी बंदी बस मुझको देखती है, तेरे को कहां से देखेगी। चलो बीबी। अरे बीबी चलो। अरे रैंक की पूछ रहा है।
पड़ गई ठंडक तेरी छाती में। मजा आया कटके भाई, कैंटीन चलो, तुम दोनों का आज मैं हैप्पी फीस खिलाऊंगा। चलो हैप्पी फीस नहीं, वो पेटीज, पेटीज पेटीज भी खिलाएगा ना साथ में। हाँ हाँ तुम चलो यार। पेटीज भी नहीं, वो बर्गर भी, बर्गर भी। हाँ ब्रेकअप पार्टी होगी। चलो। अरे ज्योति मैडम कितनी प्यारी है। सर को देख, ज्योति मैम के ख्याल में कोई मैं, ज्योति मैम कितनी प्यारी है। अरे क्या चलती है वहाँ भाई, वाह। वो तो देख पहले मिलन के साथ क्या कर रहे हैं। तेरी ये कहाँ से आ गया? हाँ तू सही कह रही, चल सर के मजे लेते हैं। सर सर ज्योति मैम के ना पैर में बहुत जोर से चोट लग गई है सर, बहुत तेज रो रही है वो। हाँ सर बहुत ज्यादा चोट लग गई है मैम को, आप जाइए ना, आप भी जाएंगे तो मैम ठीक ही नहीं होंगी, उनका ख्याल रखिए जाकर। सर उनके सर से पैर से खून भी बह रहा है। सर उनके पैर में सर दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी जाइए। आप अब तक यहाँ खड़े, चलिए हटो। ओए चलो चलो सर को देखने चलते, चलो चलो। अरे क्या हो गया मैडम, आपके पैर में चोट कैसी लगी मैडम? अरे सर ये आप क्या कर रहे हैं, स्कूल में। अरे मैडम आपके पैर में चोट लगी हुई है। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मैडम, अरे सालो।